मूक्स पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। प्राचीन न्याय से आधार इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम आज फल दुख अपवर्ग प्रमेय इन विषय के अंतर्गत अपवर्ग पर विचार करेंगे। वस्तुतः प्रतिज्ञा वाक्य में सूत्रकार ने कहा है, प्रमाण प्रमेय आदि जो षोडश पदार्थ हैं उनमें जो द्वितीय पदार्थ हैं वो प्रमेय पदार्थ हैं। वह प्रमेय पदार्थ द्वादश विध है, जैसा कि निर्देश है, आत्म शरीर इंद्रियार्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रत्यभाव फल दुखापवर्गास्तु प्रमेयम, अर्थात प्रथम प्रमेय आत्म प्रमेय एवं अंतिम प्रमेय अपवर्ग, अर्थात आत्म साक्षात्कार से ही हमें अपवर्ग की प्राप्ति संभव है, किंतु बीच में जो कुछ व्यायाम हैं उन व्यायाम के संदर्भ में उन्होंने शरीर से लेकर दुख तक का वस्तुओं के प्रमेय के विचार किए हैं। वस्तुतः हमने पूर्व प्रकरण में दुख प्रमेय का विचार किया है। वह दुख बाधना लक्षण स्वरूप है, अर्थात प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, ऐसा ही जो आचार्यों का मंतव्य है उस मंतव्य का हमने यहाँ पर प्रतिपादन किया। तथा दुख 21 प्रकार के होते हैं, षड् ज्ञान, षड् विषय, षड् इंद्रिय, सुख दुख शरीर, इस प्रकार 21 प्रकार के दुखों के स्वरूप को भी हमने प्रतिपादन किया। वर्तमान हम अंतिम प्रमेय अपवर्ग के संदर्भ में यह कहना चाहते हैं, समस्त शास्त्रों का एक परम लक्ष्य होते हैं, यतो ही धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थ होते हैं। इन चार पुरुषार्थों में परम पुरुषार्थ अपवर्ग हैं। उक्त अपवर्ग को प्राप्त करने के लिए समस्त शास्त्रकारों की प्रवृत्ति हमें दिखाई पड़ती है। अतः 18 विद्याओं में जो परम उपयोगी अर्थात सर्वशास्त्र का उपकारकत्व रूप जो न्याय शास्त्र है, इनका क्या प्रयोजन है, उस प्रयोजन के संदर्भ में सूत्रकार ने प्रतिज्ञा वाक्य में लिखते हैं, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय बाद जल्प वितंडा हित्वाभास छलजाति निग्रह स्थानानाम तत्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः, अर्थात प्रमाण से लेकर निग्रह स्थान तक जो 16 पदार्थ हैं, इन 16 पदार्थों के तत्वज्ञान से हमें मुक्ति अर्थात अपवर्ग की प्राप्ति संभव है, ऐसा ही सूत्रकार ने प्रयोजन बताया। न्यायशास्त्र का मुख्य प्रयोजन है अपवर्ग। यह ध्यातव्य है कि पदार्थों के तत्वज्ञान से क्या मुक्ति संभव है, या पदार्थ के तत्वज्ञान के अनंतर अन्य कश्चित व्यापार होते हैं, उस व्यापार के अनंतर हमको मुक्ति होती है, अथवा साक्षात तत्वज्ञान से मुक्ति होती है। इस प्रकार जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए सूत्रकार द्वितीय सूत्र में लिखते हैं, तत्वज्ञान से सीधे मुक्ति प्राप्ति संभव नहीं है, अर्थात तत्वज्ञान, तत्वज्ञान का अभिप्राय है सतश्च सद्भाव, जो जैसा है उसका अविपरीत के रूप में समझना वही तत्व है, जैसा कि लिखा गया है तद्वती तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ, वही वस्तुतः तत्व है। वह
तत्व ज्ञान से हमें मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होती है। कैसे होती है इसके लिए उन्होंने लिखते हैं, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तर उत्तरापाय तदनंतरापाय अपवर्ग, अर्थात तत्व ज्ञान से हमें मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होती है। मिथ्या ज्ञान अनेक प्रकार के होते हैं, आत्मा में अनात्मत्व बुद्धि, अनात्मा में आत्मत्व बुद्धि, शरीर में आत्मत्व बुद्धि एवं आत्मा में शरीरत्व बुद्धि, सभय में निर्भयत्व बुद्धि, निर्भय में सभयत्व बुद्धि, सुक्ति में रजत की बुद्धि, रजत में सुक्ति की बुद्धि, इस प्रकार अनेक प्रकार हमें मिथ्या ज्ञान है। उस मिथ्या ज्ञान का निवृत्ति तत्वज्ञान से हो, तो तत्वज्ञानेन मिथ्या ज्ञान से नाश, अपाय शब्द से नाश का ही ग्रहण करते हैं। मिथ्या ज्ञान के नाश होने से दोष का नाश होगा, दोष के नाश होने से प्रवृत्ति का नाश होगा, प्रवृत्ति के नाश होने से जन्म का नाश होगा, और जन्म के नाश होने पर दुख का नाश होगा, और दुखों के आत्यंतिक निवृत्ति ही अपवर्ग पदार्थ, ऐसा ही सूत्रकारों ने निर्देश किया है। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तर उत्तरापाय तदनंतरापायात अपवर्ग। इस पर जिज्ञासा होती है, तत्व ज्ञान से मुक्ति होती यदि होती है तो काशी मरणात् मुक्ति, श्रीक्षेत्र मरणात् मुक्ति इत्यादि वाक्यों की संगति कैसे बैठेगी। ततो ही मुक्ति के प्रति ज्ञान को ही कारण माना गया, तत्व ज्ञान से ही मुक्ति संभव है। ऋते ज्ञाना न मुक्ति विद्या अमृतम अश्नुते, इस प्रकार सूत्रों का श्रुति वाक्यों का निर्देश है। तो काशी मरण के अनंतर हमें यदि मुक्ति हो जाता है तो फिर तत्वज्ञान की उपयोगिता कहाँ बैठेगा, इसके संदर्भ में आचार्यों ने लिखा है कि तत्वज्ञान के अनंतर हमें साक्षात मुक्ति नहीं होती है, अपितु तत्वज्ञान ही मोक्ष का प्रयोजक है। वह संभव कैसे है, काशी के मरण के ठीक अव्यवहित पूर्ववर्ती में तारण मंत्र से ही हमें तत्वज्ञान होता है, उस तत्वज्ञान से ही हमें मुक्ति संभव है, इसीलिए वहाँ पंचमी के अर्थ प्रयोजकत्व इत्यादि की कल्पना की गई है। वस्तुतः सूत्रकार ने अपवर्ग के संदर्भ में लिखते हैं, अपवर्ग का क्या स्वरूप है, तो लिखते हैं तदत्यंत विमोक्ष अपवर्ग, अर्थात तत्पद से हमें दुख का ही ग्रहण करना चाहिए, दुख के आत्यंतिक निवृत्ति से ही हमें मोक्ष संभव है। वह दुख 21 प्रकार के हैं, पूर्व पाठ्यांग समय भी हमने प्रतिपादन किया। यहाँ पर ध्यातव्य है कि 21 प्रकार दुख के अंतर्गत दो तत्व ऐसे गिना दिए गए, जो मन है वो मन इंद्रिय जो तत्व है उसका नाश तो संभव नहीं है, जतो ही नैयायिकों के यहाँ मन जो है अनुरूप है वह नित्य है, तो अनुरूप नित्य मन का नाश कैसे संभव होगा। इसलिए 21 प्रकार के दुख के अंतर्गत जो मन को गिनाया गया उसका अभिप्राय है आत्ममन संयोग, एवं दुखाभाव जो सुख है वह भी सांसारिक सुख के रूप में परिकल्पित है, अतः सांसारिक सुख भी दुख रूप है, अतः तत्पद से एक विंशति प्रकार जो दुख हैं उनके आत्यंतिक निवृत्ति होने पर ही हमें मोक्ष या अपवर्ग यह संभव है। मोक्ष, निःश्रेयस, अपवर्ग, मुक्ति, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। अपवर्ग परीक्षा प्रकरण में पूर्व पक्ष के रूप में न्याय सूत्रकार ने बहुत सारे सूत्रों की परिकल्पना की है। अपवर्ग तत्व है ही नहीं, यदि अपवर्ग तत्व नहीं है फिर शरीरोच्छेद मोक्ष, इस प्रकार जो चार्वाक लोक का कथन है, इसका मतलब जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, इस प्रकार जो कथन है तो वो तो शरीर के नाश से ही हमें मुक्ति संभव है, इस प्रकार कथन कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उदयनाचार्य
किरणावली ग्रंथ में लिखते हैं, दुखानाम आत्यंतक निवृत्ति अपवर्ग इत्यत्र नास्चित इत्यत्र नास्ति कोपि विवाद। अर्थात आत्यंतिक दुख निवृत्ति मोक्ष है, इसमें किसी का विवाद नहीं है, और मोक्ष के लिए ही पुरुषार्थ श्रेष्ठ होने के कारण उसके लिए ही सभी सतत प्रयत्नशील हैं। जहाँ पर फिर पुनरपि जननम न पुनरपि मरणम ये वाक्य जो है चरितार्थ होता है, उसके लिए सभी सतत प्रयास करते हैं। अतः मोक्ष पदार्थ नहीं है यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा के चेतनत्व माना जाता है, शरीर को चेतन न मानकर, इंद्रिय को चेतन न मानकर, मन को चेतन न मानकर एक आत्म तत्व को ही चेतन के रूप में स्वीकार किया गया है। वैशेषिक सूत्रकार ने भी जो लिखा है कि अपवर्ग जो होता है वह भी पदार्थों के साधर्म में वैधर्म के ज्ञान से ही होगा। उन्होंने भी प्रथम सूत्र में जिस प्रकार नैयायिकों ने प्रमाणादि षोड़श पदार्थ तत्व ज्ञानात निश्लेषाधिगम इस प्रकार जिस स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार वैशेषिकों ने भी वहाँ पर स्वीकार किया है, धर्म विशेष प्रसूतात् द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम पदार्थानाम साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम तत्वज्ञानात् निःश्रेयसम। इसके सूत्र के व्याख्या में भी वैशेषिक भाष्यकार लिखते हैं, एतेषां सन्नाम पदार्थानाम साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम तत्वज्ञानम निःश्रेयस हेतु। अर्थात निःश्रेयस या मोक्ष के प्रति तत्वज्ञान ही कारण होते हैं, अतः तत्वज्ञान को मुक्ति प्रति जो कारणता है उस कारण तक आप अपलाप नहीं कर सकते। इस प्रकार सूत्रकार ने बहुत सारे संदर्भ का प्रतिपादन किया है, एवं सच अभिव्यक्तात् धर्मादेव वह भी हमें प्राप्त तभी होगा जब योगाभ्यास इत्यादि साधना रहेंगे, तो साधना के बल से ही अंततो गत्व हमें मुक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए तत्वज्ञान भी मुक्ति के प्रति जैसे हमको कारण है, उसी प्रकार योग समाधि भी तत्वज्ञान के जरिए ही मुक्ति को प्राप्त कराने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार अपवर्ग के स्वरूप में जो आचार्यों का अभिमत है, तदत्यंत अभिमोक्ष अपवर्ग दुखों के अत्यंत निवृत्ति मोक्ष, इस प्रकार अपवर्ग के स्वरूप को प्रतिपादन करते हुए आप सभी को धन्यवाद देते हैं।